यहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। सात स्थान, और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। सात स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन, आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को सात स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहां पर वर्णन कर रही है मैना, धन्या और कला की कथा कर रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। पंच पुष्प में से एक पुष्प पारिजात का फूल, जिसको हार सिंगार का फूल भी कहते हैं, जिसको शिडली का फूल भी कहते हैं, पारिजात हार श्रृंगार। मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल से कि पारिजात का जो पुष्प है उसका दर्शन भी आप सभी श्रोता भाई बहनों को टीवी के माध्यम से कराते जाएं। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस पारिजात के फूल का दर्शन अवश्य करें, और एलईडियां लगी हुई हैं उन पर भी आप आराम से पारिजात के फूल का दर्शन कर सकते हैं। पारिजात का पुष्प, हार सिंगार का फूल, ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे के कलर की होती है, नारंगी कलर। महाराज रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है पारिजात का और हार श्रृंगार का, जो ये पुष्प है जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको शिडली का पुष्प भी कहते हैं, ऊपर से सफेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है।
जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारण से हमारे यहां वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवाधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा, राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर ये शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में ये शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की पांच बेटियां। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है, जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह, जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझे। जैसे मान लो, अभी पारिजात का तो फूल यहां पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता है। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीस लो, पीसकर उसका चंदन तैयार हो जाएगा पारिजात फूल की उस डंडी का। और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवाधिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे, तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे की वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिवजी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवाधिदेव महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है, वो पार जाती है।
पुष्प पारिजात का जो पुष्प है सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यदि हम देव अधिदेव महादेव की पारिजात के फूल से आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होगा। पारिजात का हम तो यहां तक कहेंगे, अगर आपके यहाँ हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, पारिजात का पुष्प यदि आपके यहाँ होता हो, रात को खिलता है सवेरे मिलता है, ऐसा पारिजात का अगर वृक्ष आपके यहाँ लगा हो तो प्रयास करना। 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? आती है ना 12 महीने? 12 महीने शिवरात्रि आती है। कैलेंडर पर एक गोला बनाकर रख देना कि हमको ये शिवरात्रि आई है, हर महीने की शिवरात्रि तुम्हारे ध्यान में रहेगी, एक पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का पुष्प एक अगर देव अधिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ के रहेगा। पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित, सफेद कलर का पुष्प है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, केसरिया कलर की, नारंगी कलर की उसकी डंडी है, भगवान शिव को समर्पित। जब हम देव अधिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, उस समय पर भी भगवान को अगर तुम्हारे पास में थोड़ा सा पारिजात की जो डंडी है सुखाई है, अपने पारिजात फूल के नीचे की जो डंडी है उसको तुमने सुखाकर अगर चंदन बनाया है, तो वो चंदन आप प्रतिदिन भी देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर सकते हो। पारिजात पुष्प, एक बात और हमारे स्मरण में रहे, भगवान शिव को जो ये 5 तरह के पुष्प समर्पित करे जाते हैं, इन पुष्पों की डंडी जो पीछे लगी होती है इसको तोड़ा नहीं जाता शिव जी को चढ़ाते समय, इसका स्मरण आपको रहे। तीन शिवालय ऐसे हैं जहां पर पारिजात के पुष्प को समर्पित कर देने से, भगवान शंकर को अगर पारिजात का पुष्प समर्पित किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला, मां नर्मदा से निकला हुआ कंकर नर्मदेश्वर महादेव, अगर कहीं नर्मदा जी के कंकर से शिवलिंग बना हुआ है तो मां नर्मदा के शिवलिंग पर पारिजात का पुष्प समर्पित होता है। दूसरा, जो शिवालय एकांत में हो, एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठे हो, भले ओटले पर बैठे हो, अकेले बैठे हो, एकांत में बैठे हो, वो एकांतेश्वर महादेव पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित कर देने से अगर कोई अदालत का कोर्ट केस होता है तो बाबा देव अधिदेव महादेव का मात्र पारिजात पुष्प का स्मरण या उसको समर्पित कर देने से भी फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, ऐसा शिवालय जो नदी के तट पर हो, सरोवर के तट पर हो, कुंड के तट पर हो, बावड़ी के तट पर हो, कुएं के तट पर हो, आप सब लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, सबके स्मरण में होगा, पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो कुआं बावड़ी के पास में शंकर जी का शिवलिंग रख देते थे, ध्यान में होगा, जिस जिसको स्मरण में होगा उसको मालूम होगा, शिवलिंग लाते थे और जहां कुआं होता था, बावड़ी होता था, तालाब होता था, नदी होती थी, उसके तट पर उसके पास में शिवलिंग रख देते थे। कारण क्या है? किसी जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, इसके पास में जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग को बहुत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, स्वयं गंगा मैया उस कुंड बावड़ी के रूप में रहकर शिवलिंग को सिद्ध कर देती है और वहां स्वयं विराजमान हो जाता है। मार्ग वहां पर भी
यह हार श्रृंगार पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित किया गया। तीन जगह ऐसी है जहां कभी मौका मिल जाए और तुम्हारे पास में पारिजात का फूल हो और कहीं भी तुम्हें मिल गया, तुमने आज्ञा ले ली, हम ये पुष्प ले लें। वही व्रत श्रेष्ठता से कर पाती है। व्रत की श्रेष्ठता उसमें अपने आप आ जाती है। अगर अगर उसके साथ में अगर पितरों की कृपा है तो, पूर्वजों का अगर आशीर्वाद है तो व्रत वो अच्छे से कर सकेगी। और सहज भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, कि मान लो एक सरल भाषा में आप और अच्छे से समझिए उसको बहुत अच्छे से, कि जिस व्रत के दिन आपका उपास है, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, किसी का भी अगर आपका व्रत है, और उस व्रत वाले दिन यदि आपको क्रोध आ रहा है, व्रत वाले दिन अगर आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, रोना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत सारी परेशानी उसी दिन तुम्हारे सामने आ रही है, समझ लेना कि तुम्हारे घर के पितर भूखे जरूर अन्न भाग मांग रहे हैं। एक बात पहले भी कही थी, शायद आपको ध्यान में होगा, रात्रि को सोने के बाद, विश्राम के बाद, एक बार कहा था आप लोगों को याद होगा, कि सोने के बाद में दो घंटे के अंदर अगर आपकी नींद खुलती है और खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना कि आपके पितर, आपके पूर्वज भूखे हैं, अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं। उससे नहीं समझ सकते तो व्रत से समझो। व्रत से समझो। मान लो आपने व्रत किया और आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, ताने निकल रहे हैं, या कोई कुछ कहकर चले गया और आपकी आंखों में अश्रु भर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ व्रत नहीं हो सकता, उसमें दुख है। पुष्प ताजा है तो आप भगवान को दोगे, सही है कि गलत है? केला अच्छा है तो भगवान को दोगे? वो काला पड़ गया तो तुम भगवान को दोगे क्या? अंदर से गल चुका है तो भगवान को दोगे क्या? नहीं, आप भगवान को दोगे। कोई फल ताजा है तो आप भगवान को दे दोगे, कोई पुष्प ताजा है, अच्छा है, तो आप भगवान को दोगे। अगर पुष्प मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? पुष्प बेकार हो गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। उसी तरह व्रत होता है, उसी तरह हमारा व्रत है। जिस व्रत में हमको क्रोध आ रहा है, जिस व्रत में हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिस व्रत में हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्रत में हमको रोना आ रहा है, जिस व्रत में हम किसी की बात का ठेस हमको पहुंच रहा है और हम क्रोधित हो गए, हम रो दिए, हम चिड़चिड़ हो गए, समझ लेना वो फूल मुरझा चुका है, वो व्रत तुम्हारा बेकार हो चुका है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा। और जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता, हम इस व्यास